वेलकम टू इजी कुकिंग बाय परमजीत कौर। हाँ जी, आज की बनाना जी? आज असी मटन दा सूप बनावांगे जी। लो जी, आज असी बनाना है मटन दा सूप। सब तो पहले देखो जी, गैस असी ऑन करती है जी, तो कुकर असी होते रख देता, तो असी हुण इहदा प्रोसैस स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले ऐड करते हैं जी देसी घी कुकर, ये एक चम्मच है जी। उस तो बाद प्याज नूं असी कद्दूकस किया है, ग्रेट किया है, इस तरह ही लसन असी कद्दूकस किया है, और की और ये अदरक है, दोनों चीज़ें असी मिक्स करती हैं, लसन और अदरक इन्हों ग्रेट करके तो असी मिक्स कर लिया। लसन अदरक तो प्याज ऐसा ऐसा फ्राई हो रहे हैं, ज़्यादा असी इन्हों गोल्डन ब्राउन नहीं करना। तो जेडे मसाले पाने असी वह दिखाने जी। सब तो पहले दिखाओ जी, तेज पत्ता, देखो जी एक तेज पत्ता, काली मिर्च पाउडर, जीरा, साबत जीरा, सुखा धनिया, साबत कोरिएंडर सीड्स, कश्मीरी लाल मिर्च, दालचीनी स्टिक, मोटी इलायची, एक खोल देती है ऐसे। हाँ देखो जी, ते दो लौंग, यही चीज़ें असी इहदे च ऐड करनियां जी। बस इन्हों असी गोल्डन ब्राउन नहीं करना, प्याज लसन तो अदरक नाल दे नाल ही थोड़ा जिहा कुक करके तो चीज़ें इस पा देनी। बहुत ही सिंपल तरीका है मटन का सूप बनाने का, और बहुत ये लाइट बनता सूप, बहुत स्वाद बनता है, बहुत हेल्दी बनता है। हाँ तो कोई सारी चीज़ें कट्ठिया असी थोड़ी थोड़ी फ्राई कर लेनी ताकि इन्हों का कच्चापन दूर हो जाए। ये सिर्फ असी 3 पीस मटन के लाए हैं हड्डी वाले, इन्हों का वेट जरा 100 ग्राम के करीब है। ये सूप बनाने वास्ते हड्डी वाले सूप लेना है, जेडे मर्सी पोर्शन तुम लै सकते हो। थोड़ा जहा फ्राई करा, ये देखो जी टमाटर असी ग्रेट किया हो, कद्दूकस किया, ये असी ऐड कर देना। कश्मीरी लाल मिर्च ये भी ऐड कर देने जी। लो जी थोड़ी जी हल्दी असी इहदे च ऐड करांगे, लाल मिर्च पाउडर, ये अपने केस के मुताबिक तुसी पा सकते हो घट वध। इसी तरह नमक, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हो, जिवें जिन्ना तुहानू अच्छा लगता उन्ना क नमक पा सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर देना सब नूं। ये देखो जी सारा कुछ बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया, तो हुण असीं इहदे पानी ऐड कर देंगे। लो जी 2 बाउल असीं इहदे पानी दे पा देने, अगर जरूरत पएगी घट गया तो बाद च ऐड कर लाँगे, क्योंकि इहदे च सुकना भी है पानी। अच्छी तरह इनू मिक्स कर दिओ। लो जी कुकर का ढक्कन असी बंद करता, तो जो पहली विसल होएगी उस तो बाद असी इनू 18 मिनट रखना, उस तो बाद गैस बंद कर देनी है। जो तो फिर अपने आप कुकर की स्टीम निकलेगी, फिर खोल के चेक करांगे। लो जी पहली विसल तो बाद असी 18 मिनट कुकर च कुक किया जी, तो हुण स्टीम इहदी निकल गई अपने आप, तो हुण असी चेक करते हैं। अगर कोई सूप साडा बन के बिल्कुल रेडी है जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मटन भी गलिया होया, सूप भी तैयार है। तो असी हुण इहदे जिहड़े पीसिस है वो अलग कर लेने, तो सूप असी छलनी छान लेना, क्योंकि असी मोटे मसाले पाए हुए उपर आ जाएंगे तो सूप थले आ जाएगा, अगर कोई बरीक हड्डी होएगी तो वह भी इहदे च उपर आ जाएगी। लो जी असी इन्हू पुन लें जी, हूँ सब मोटे मसाले हड्डी सब ये आ जाए। लो बहुत सोहना सूप तैयार हो गया जी। जो जी मटन दे कुछ बरीक बरीक पीस करके ये असी सूप बाउल च ऐड कर लेने जी।
बहुत अच्छी तरह मटन गलिया पे लो जी जो बरीक बरीक पीस मटन के किए वो असं ये ऐड कर देने लो जी एक पीस असी मटन का हड्डी समेत ही रखता है। इस तो बाद जरा असी सूप छाने वो असी ये ऐड कर देना। ये देखो जी एक बाउल बनाने वास्ते सानू दो बाउल पानी साडा लग गया। थोड़े जे असी ये चॉप किए हुए पुदीने के पत्ते ऐड करांगे। मटन सूप बन के साडा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएगा। एक बारी बना के देखो और कमेंट बॉक्स कमेंट करके दसो कि तुहानू कैसा लगे। थैंक यू वेरी मच।